का सवाल है एनएचपीसी पे। एनएचपीसी इन्होंने 84 रुपए के स्तर पे खरीदारी की हुई है, 300 शेयर इनके पास है, इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल स्टॉक। और एनएचपीसी को देखें तो आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, 3.5% ऊपर है स्टॉक, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हमने दबाव देखा था। माफ कीजिए, एनटीपीसी नहीं, एनएचपीसी की मैं बात कर रहा हूं, एनएचपीसी जरा लेकर आइए, जो कि इन्होंने खरीदा हुआ है 84 रुपए के भाव पे। एनटीपीसी नहीं, एनएचपीसी, जी हां, अभी उनका 84 रुपए पे खरीदारी है और फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। शेयरों की संख्या इन्होंने 300 बताई हुई है, हालांकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आज की जो तेजी है इसमें क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? एनएचपीसी पर खरीदारी जो है वो 84 की है जी, एक हाई लगाने के बाद यानी अराउंड 118 लेवल के हाई लगाने के बाद ये काफी भी इसमें करेक्शन मूव देखने को मिले हैं, बट करंट लेवल्स पे जैसा कि उन्होंने बताया बाइंग है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 38 पॉइंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और प्लस प्रायर स्विंग लो जो कि इसका 73 से लेकर 72 के जोन के आसपास आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिमांड क्रिएट होता दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। और अगर हम इसके वीकली और डेली के चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे इसलिए हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, डेली के स्टार पे अगर ये स्टॉक 85 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे मॉर्निंग डोजी स्टार का फॉर्मेशन है, तो एक डिमांड क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ से पुलबैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 92 से लेकर 95 के जोन के आसपास, और जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 71 का, सो 71 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं और 92-95 के लेवल का वेट कर सकते हैं।